अचानक बढ़े नए कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 645 नए मामले आए सामने। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, बंगाल में बीजेपी 200 सीटों के साथ बनाएगी सरकार, परिवर्तन होगा और चुनाव के बाद भाजपा आएगी सत्ता में। ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले में हुई दिशा रवि की पहली गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि 26 जनवरी को दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा ने सबसे पहले आरोपियों ने मिलकर बैठक की थी। दिल्ली पुलिस ने टूलकिट मामले में क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस के रडार पर अब शांतनु और निकिता जैकब है। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर प्रियंका गांधी वाड्रा, अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं ने उठाए सवाल, तो वहीं पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने दिशा की गिरफ्तारी की आलोचना की। महाराष्ट्र के जल गांव में एक ट्रक पलट जाने से कम 16 लोगों की मौत हो गई है और घटना में 2 लोग को घायल बताया जा रहा है। मरने वालों में 6 महिलाओं के अलावा 2 बच्चे भी शामिल है। डीजल और पेट्रोल की कीमतें लगातार आसमान छूती जा रही है। देश के कई हिस्सों में तो पेट्रोल की कीमतें 16 रुपए के आंकड़े छू रही है। इसे लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने ट्वीट किया है, शतक मुबारक। टीम इंडिया को लगा 8वां झटका, कुलदीप यादव हुए आउट, 400 के पार पहुंची टीम इंडिया के स्कोर। जेईई मेंस, नीट, एनडीए, यूपीएससी समेत अन्य परीक्षाओं के लिए यूपी सरकार देगी फ्री कोचिंग, कल से होगी क्लासेज की शुरुआत। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी कोरोना संक्रमित निकले, कल चुनाव रैली के दौरान मंच पर हुए थे बेहोश।